हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पीयूष और इस वीडियो में आपको मैं दिखाऊंगा कि आप अपने हेलमेट पर कैसे इजीली बहुत ही फास्ट गोप्रो माउंट कर सकते हो। सो दिस इज द हेलमेट जिस पर मुझे यहाँ पर अपना गोप्रो माउंट करना है, क्योंकि जो चिन माउंट होता है डेट इज बेस्ट। और आई डोंट थिंक के इस तरफ लेफ्ट या राइट में अगर आप माउंट करेंगे तो डेट इज गोना डू मेक सम चेंजेस, मेक सम डिफरेंस। बट आई थिंक दिस इज द बेस्ट पोजिशन इफ यू वॉन्ट टू कैप्चर बाइक राइडिंग वीडियोज ऑन योर गोप्रो। सो आई हैव गॉट दिस एमसील, ये 25 ग्राम एमसील है, डेट इज 10 रुपीज। और उसके बाद मेरे पास ये है माउंट जिसको हम हेलमेट पर लगाएंगे। सो सबसे पहले ये माउंट में से मैं 3M टेप लगा देता हूँ। ये माउंट एक्चुअली आया है मेरे पास वहाँ से जहाँ से मैंने जो एक्स्ट्रा सामान है कुछ अमेजोन से, वहाँ से जो किट ली थी वहाँ से मैंने ये उस किट में ये माउंट आया। सो आई डोंट बिलीव ऑन दिस 3M टेप। सो ये टेप मैंने निकाल दिया और इसका ये ऊपर का जो ये है, आई थिंक ये काफ़ी पुराना हो जाता है, तो वी शुड यूज़ आर ओन स्टिकिंग थिंग्स, गम है या एमसील जो भी है। तो ये मैं निकाल रहा हूँ, ऐसे आप देख रहे हो, इसको आप भी इस तरीके से ऐसे निकाल दें जो कि ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद माउंट है, माउंट पर हम एमसील लगाएंगे, और माउंट पर एमसील लगाने के बाद उसको सीधे के सीधे हेलमेट में फिक्स कर देंगे। दैट इज़ गोना वर्क फॉर अस। सो ये आप देख रहे हैं मैं कैसे निकाल रहा हूँ, इस तरीके से आप इसको निकाल दें। यू डोंट नीड टू गो ऑन वेरी लाइक टफ थिंग्स लाइक ये किसी वीडियो में मैंने देखा है कि पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं अपने GoPro को माउंट करने के लिए। सर्टेनली वो बहुत सारा सामान यूज़ करते हैं, वो सर्टेनली इट्स गोना मेक इट मोर सिक्योर, दैट्स नो डाउट। बट आई गेस इस तरह से आप अपना माउंट हटा लें, जो टेप है आप इफ़ यू वांट टू यूज़ योर ओन 3M टेप दैट इज़ न्यू एंड यू रिसेंटली बॉट फ्रॉम द मार्केट, दैट इज़ अ गुड थिंग। बट व्हाट आई एम टेलिंग यू दैट जो इन लोकल माउंट्स में जो टेप आता है, ये माउंट एक लोकल माउंट है, इट्स नॉट द ओरिजिनल वन ऑफ GoPro, इट इज लोकल माउंट एंड आई बॉट इट फ्रॉम अमेजोन, ये मैंने अमेजोन से खरीदा है। तो इसमें जो 3M टेप है वो पुराना है, आई गेस आई डोंट वॉन्ट टू टेक रिस्क। सो मैंने इसमें से जो 3M टेप है वो हटा दिया है, और मेरे पास मेरा खुद का 3M टेप नहीं है, सो आई विल मेक यूज़ ऑफ एमसील ओनली। और एमसील मैंने खोल लिया है, कुछ ऐसा दिखता है, एक लड्डू सा निकला है इसमें 10-12 ग्राम का, और ये दूसरा एमसील है जिसको खोलेंगे। और इस एमसील का ऐसा है कि जब तक ये खुला रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप इन दोनों को मिक्स कर दोगे उसके बाद इट विल बी हार्डन, और उसके बाद इसको इमिडिएटली यूज़ करना ज़रूरी है। और आप इसको फिर अगर आपने इसको मिक्स करके मिक्सर बना दिया तो आप उसको रख नहीं सकते, आपको यूज़ करना है, इधर यू हैव टू थ्रो इट और यू हैव टू यूज़ इट। दोनों लड्डू हमने निकाल लिए हैं और इनको मिक्स कर रहा हूँ मैं अब, और इस तरीके से इनको मिक्स करते हैं हम, और इनको तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि ये प्रॉपरली मिक्स ना हो जाए। थोड़ा सा उंगली में चिपकता जरूर है, ये क्या कर सकते हैं, अपने को इतना फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके से आप इसको प्रॉपरली, जैसे आटा मारते हैं ना, आटा गूंथते हैं, वैसे इसको गूंथना है। और अब ये थोड़ा थोड़ा स्टिकी होने लगा है आई गेस, थोड़ा थोड़ा, यस। इतना एमसील बना है दोनों मिक्स करके, आप चाहते हो तो आप बड़ा वाला भी ले सकते हो, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम है। इससे बड़ा आता है 100 ग्राम्स का, वो 30 रुपीज़ का आता है। कहीं मेरी उंगली ना चिपक जाए आपस में, थैंक्स गॉड। इसको इस तरीके से सेट कर दें आप इस पर, और जैसे कि मैंने एक MSK भाई की व्लॉग में देखा था, उन्होंने भी ये इसी से लगा रखा है, तो उन्होंने बेस मोटा बनाया था थोड़ा, और उसका एक रीज़न था बेस मोटा बनाने का, कि आपका जो चिन माउंट है वो ऊपर की तरफ रहता है, ज़्यादा नीचे नहीं हो जाता। बाद में आप उसको इफ़ यू वांट टू चेंज द पोजीशन यू कैन यूज़ एडिशनल J माउंट और आप उसको ठीक कर सकते हो। तो इस तरीके से मैं भी इसको थोड़ा सा बेस मोटा रखूँगा इसका। तो ये इस तरीके से मैंने लगा लिया है, एंड नाउ आई नीड टू प्लेस दिस ऑन माई हेलमेट। तो ये हेलमेट है, ओह, और इस पर हम करीब करीब यहाँ लगाएंगे ये, और इट शुड बी इन सेंटर, एग्जैक्टली इन सेंटर।
चिन माउंट जैसे आप देख रहे हैं मैंने यहाँ इधर प्लेस कर दिया है धीरे से। अभी इसको मुझे प्रेस करना है, लेकिन एक बार जब आपने एम सी ली इसमें लगा दिया देन इट विल बी डिफिकल्ट। आप जब इसको अपने हेलमेट से निकालेंगे तो हेलमेट आपका ख़राब हो जाएगा, सो यू बेटर मेक श्योर के आप उसको ठीक तरीके से लगाएं। तो ये हमने इस पर माउंट कर दिया है हमारे गोप्रो माउंट को एम सील से हेलमेट पर लगा दिया है। इसको सूखने का मौका देंगे पूरा 12-14 घंटे, उसके बाद 1-2 घंटे बाद इसको हम बेल्ट से भी बांध सकते हैं ताकि ये अपनी जगह पर एकदम फॉर्मली स्टिक हो जाए। और बस तैयार है आपका गोप्रो माउंट। इट डिड नॉट टेक मच टाइम।